नंबर मुद्दा जो भारत कैसे हम तकलीफ हो गया कि बेकार है, ये फर्जी चीजें होती है और बेमतलब का सामाजिक बात होता। मैं बताऊंगा भी भौगोलिक स्थिति अपनी स्थिति थी, जितने लोग बैठे हैं और यहाँ पे प्रोफेसर हमारे भी भाई नंदू चौधरी जी साथ में साथ उनके हस्बैंड भी आए हुए, उनका भी स्वागत है और माने भाई साहब अभी वचन राम जी और हमारे जिसका अभी आपने उद्घोष सुना भाषण सुना उड़ान इनका भी एक सपना था है कि मैंने बनाया तो भारत में कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं हो, उसके भी बारे में बताया। ऐसे बादशाह जी का मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे साथ चल गए डॉक्टर राजेश सिंह जी और यहाँ पे बैठे वहां से लेके हमारे कौशाम्बी से लेके प्रयागराज तक काफी लोग यहाँ उपस्थित थे भाई साहब सबका, भाई हमारे विधायक वाचस्पति भी सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और हमारे संचालक ऐतिहासिक राकेश जी जो कि दो बार फोन से बात हुआ तो हमको बार बार यही समझा रहे हैं कि पार्टी की बात आप नहीं करिएगा, पार्टी की बात आप नहीं करिएगा। अरे तो मैंने कहा भाई पार्टी की बात मैं कहाँ कर रहा हूँ, अखिलेश जी वही बताए कि कोरोना में बीमारी हुआ दलितों का अलग से पकड़ लिया। अरे भाई कोई कोरोना बीमारी है, कोई दलित पहचान के नहीं पकड़ा, पूरे देश में व्यापक था। 100 करोड़ जनता का आपको कोरोना का वैक्सीन निःशुल्क लगा साथियों, 15 करोड़ जनता के निःशुल्क राशन मिला, इसमें मैं नहीं कहूँ। आज साथियों स्वतंत्र भारत स्वतंत्र प्रदेश स्वतंत्र प्रयागराज में मैं क्यों अपने आप को सोचता हूं कि मैं दलित हूं, क्यों अपने आप को कमजोर घोषित करते हो कि मैं कमजोर हूं। उस तरह से याद करो जब तक कहीं अंबेडकर संविधान लिखे होंगे, उस समय के जमाना क्या रहा होगा, आज के जमाना क्या है, फिर भी हम कमजोर हैं, इस बात की तकलीफ। साथियों मैं कहना चाहता हूं लोग कहते हैं कि मंदिर मिले हमें मिले वो कद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें एक गलत बात है, बधाई के पात्र हैं ऐसे जो कार्यक्रम आप। मैं भंते महाराज के चरणों में वंदन करता हूं, आशीर्वाद लेता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों हमारे यहां बैठे हुए तमाम आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर होते मैं व्यवहारिकता बताऊं, मैं अंतर्राष्ट्रीय में नहीं बताऊं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या किए क्या नहीं किए, यह हर व्यक्ति जानता है, संविधान सभी पढ़ते हैं। अगर संविधान न होता तो सुरेंद्र चौधरी विधान परिषद ना होता, संविधान न होता दिनभर कॉलेज हाई स्कूल प्राइमरी यूनिवर्सिटी या पीएचडी नेट क्वालिफाइड ना होते, आरक्षण न होता कि देश न होता और डॉक्टर साहब न होते तो जैसे राजा के घर कोख से जन्म लेता था रानी के कोख से राजा, आज हम बैलट बॉक्स से ना होते राजा। तमाम चीजें थी छुआ छूत की बीमारी मानता हूं उस समय था, अशिक्षा के कारण था, मैं सवाल खड़ा करना चाहता अपने समाज के लोगों से, मैं भी उसी में हूं, मुझसे भी गलतियां होती होगी। मैं कितने समाज के बेटों को पढ़ाता लिखाता, दीपावली आती है होली आता है बच्चे मनाते हैं तमाम बड़े बड़े फंक्शन हम लोग करते हैं, किस गरीब बेटे की बात का भी खरीद हम देते हैं। जब मैं आईएएस रहता हूं अधिकारी रहता हूं जब मेरे कलम में ताकत रहता है तब एक दलित बेटे के काम करने से कतराते हैं, जब मैं रिटायर हुआ तो तुरंत दौर बड़ा बड़ा माला पहनने के लिए मैं तैयार। सीख लेना चाहिए साथियों, मैं तो चैलेंज करता हूं जिस जगह पे मैं हूं ये सबके देन है, सभी समाज के देन है, आपके देन है। अगर आपकी इतनी ताकत हिम्मत होता तो शायद हम भी कहीं ना होते, बधाई के पात्र हैं आप। ये संघर्ष है हमारा, एक मुहिम छेड़ना चाहिए जो आप छेड़े मगर ये मंच पे नहीं धरातल पे। हम बात करते हैं जनरल रवि का, उससे जाएंगे तो बहुत अंतर हो जाएगा मगर मैं जाऊंगे जरूर, क्योंकि जिस समाज में अलग अलग मायने में हम लोग यहां बैठे हैं, जब मैं हिस्से की बात आती है तो हम वहां पे समाज जोड़ दिए। किस समाज की बात हमने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विश्व गुरु जो भी मान लो, ईश्वर मान लो, भगवान मान लो, जैसे बहुत से माता पिता मानते हो हैं, मैं इसीलिए कहता हूं कि परख हीरे के करनी है तो अंधेरे के इंतजार करो वरना तीन में टूटा हुआ शीशा नहीं चलता। हमें हम तो अपने आप में जानो कि आखिर में हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा,
चीज बोलूंगा आगे बढ़ने का हमारा फार्मूला। सभी बैठे हुए भाई बहने ने सब लोग सुन ले, हर व्यक्ति के अंदर तनखा पाता है, नौकरी पड़ता है, बिजनेस होगा, धंधा होगा, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। जब उनको आगे बढ़ाओगे निश्चित तौर पर जिस सपना का हम देखे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखे कि लाल किला से आपका बेटा झंडा जरूर खड़ा है, आपका मुख्यमंत्री होगा, आपका प्रधानमंत्री होगा, आपका राष्ट्रपति होगा, आपका विधायक होगा, आपका सांसद होगा। मगर जब हम बढ़ाएंगे तब हम यहां बोल के चले जाए फिर हम दोबारा मिले तो गलत। इतना मैं कहूंगा कि मैं जिस लायक हूं आप सभी से निवेदन है, मैं करता भी हूं, मुझको जहां भी जो जरूरत पड़े आप मुझे उपयोग कर सकते हैं, आपके साथ चल सकता हूं, आप मुझे कंधे से कंधा मिला के हर भाई को सहयोग देने के लिए तैयार। सिर्फ इतना कहूंगा कि डॉक्टर भीम अंबेडकर का जो सपना है नाथू जी हमारे आगे हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं राजापुर से, सिर्फ यही कहूंगा कि समाज को बिखरने मत दो, जो जहां है जिस दल में है जिस जगह है वो किसे अलग, मगर मेरा भाई है अगर उस जगह ललकार रहा है तो निश्चित तौर पर उसको दो कदम आगे बढ़ाने का हम सबका नैतिक जिम्मेदारी होता। मिशन उद्देश्य सबका वही है जो हम आप चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय श्री राम, जय भीम, जय भीम। अरे एक मिनट, जय भीम के मोबाइल भगवान है।